अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ाविया एंड फैमिली। कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर फाइन। तो जी, ये हमारे पास छोटी छोटी कुछ चीज़ें थी जो मोहम्मद को गिफ्ट्स मिले थे उसकी फ़र्स्ट बर्थडे पे, और एक उसकी सिक्स डे का जब मोहम्मद था तो हमने घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर किया था फैमिली के साथ, तो उसमें कुछ गिफ्ट्स उसको मिले थे। तो बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, उस वक्त हम इसे यूज़ नहीं कर पाए थे, निकाला तो उस वक्त मोहम्मद थोड़ा बड़ा हो चुका था तो उस वक्त भी यूज़ नहीं, लेकिन ये चीज़ें एनी हाउ बहुत अच्छी हैं और बहुत यूज़फुल हैं छोटे बेबीज़ के लिए। तो मैं आपको इनका रिव्यू दूंगी और मैं दिखाऊंगी कि इन बॉक्सेस में क्या है। अब इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे, लेट्स गो। फर्स्ट तो ये एक बेबी चेयर है जो मोहम्मद को मोहम्मद के मामू ने दी थी उसकी फ़र्स्ट बर्थडे पर, लेकिन उस वक्त हम इसे यूज़ नहीं कर सके थे। तो अब जबकि ज़िमल छोटी है और उसके लिए ये चेयर हमारे काम आ सकती है, तो हमने अब इसे निकाला ताकि हम इसे यूज़ कर सकें। ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर। तो ये जेम इस तरह से बनती है जैसे कि इसके ऊपर पिक्चर बनी हुई है। ये इसके साथ आगे उन्होंने एक फूड ट्रे दी हुई है और ये सीट है जो कि एडजस्टेबल है। फिर इन्होंने साथ इसमें बेल्ट दिए हुए हैं जिसमें हम बच्चे को टाई कर सकते हैं ताकि बच्चा गिरे ना। ये सेफ्टी बेल्ट हैं बेसिकली जो उन्होंने दिए हुए हैं। और ये इसकी सीट की बैक है, यहाँ पर उन्होंने एक इसका जो है वो एक ये होल इसके साथ दिया हुआ है ताकि इसे हम टाइट करें और ये बिल्कुल फिक्स हो जाती है इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर उसमें कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है कि ये नंबर वन है, नंबर इसके आगे नंबर टू भी। आपको उसको एडजस्ट करके पूरा बताती हूँ कि किस तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पे इसको हम इसकी लेंथ को भी बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो है ये इसके साथ फूड ट्रे दी हुई है जो आगे इसमें यहाँ पर फिक्स हो जाती है, जितना भी आपका जो है वो बच्चे के हिसाब से आप इसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है वो बहुत हेल्दी है तो उन्हें उसके हिसाब से इसके यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट भी दी हुई है कि अगर बच्चा हेल्दी है तो आप लास्ट में उसको कर सकते हैं, वरना आप पीछे उसको उसके हिसाब से अपने बेबी के अकॉर्डिंग जो है। अच्छा, आप हम इसे एडजस्ट करके देते हैं। मैं आपको एक इसकी ये एडजस्टमेंट बता रही थी जिसमें इसकी जो है हम हाइट बड़ी कर सकते हैं। तो इसका तरीकेकार ये है कि यहाँ पर इन्होंने ये हुक दिया हुआ है, इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने नंबर्स भी दिए हुए हैं। जब हम यहाँ पर इन हुक्स को नीचे करते हैं तो यहाँ पर ये नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी चेयर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसे नीचे किया, अगर हमने थोड़ा 1, 2 and 3 इन्होंने 3 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। अब हमने जहाँ इसको फिक्स करना है वहाँ ला के हमने इसे लॉक कर दिया। ये आपका इसकी लेंथ बड़ी हुई। सेम लाइक दिस हमने इसको भी यहाँ से जस्ट जो है वो पीछे किया और ये लाके यहाँ इसको लॉक कर दिया, तो ये इसकी हाइट थोड़ी बड़ी हो गई। उसके बाद इसकी जो ये फूड ट्रे है इसको भी लगाने का बहुत ही इजी तरीका है। अच्छा, यहाँ पर भी इन्होंने देखे आप ये फूड ट्रे के लिए भी इन्होंने यहाँ पर 3 एडजस्टमेंट दी हुई है, जिस तरह यहाँ पर उन्होंने 3 एडजस्टमेंट दी हुई है इसी तरह यहाँ पर भी दी हुई है। आप बच्चे के कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग जो है, आप कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करने का तरीका भी बहुत ईजी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने जस्ट इस ट्रे को यहाँ पर रखना है और जिस जगह भी आपने इसको लगाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लगाना है या यहाँ लगाना है, आपने इसको वहाँ रखा है और जस्ट ये आपने इसको क्लिप कर दिया। ये बहुत ही ईजी है इसको उतारना या लगाना। ये आपकी चेयर जो है वो रेडी है लाइक दिस। साथ इन्होंने ये एडजस्टमेंट दी हुई है इसके अंदर, ये इन्होंने स्पेशली एक ट्रे एक्स्ट्रा इसके ऊपर जो है एडजस्ट की हुई है ताकि हम इसके अंदर बच्चे को फूड सर्व कर सकें, जो कि ऑब्वियसली जो बच्चा इसमें बैठ सकता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच्चे खाने की कोशिश करते हैं तो वो फूड हम कोई भी फ्रूट या कोई भी चीज़ बच्चे को इसके ऊपर रख के दे सकते हैं। ये इसीलिए जो है वो इसको सेपरेट किया जा सकता था कि हम वॉश कर सकें, वो ये वॉशेबल है। इसको हमें अगर बार बार नहीं भी निकालना तो जैसे नई ट्रे निकाली एंड वॉश कर ली, इट्स वेरी ईजी टू यूज़। तो आई थिंक ये चेयर बहुत अच्छी है और यूज़फुल है छोटे बेबी के लिए जो चल नहीं सकते, बैठ सकते हैं उनके लिए। आई थिंक मेरा ख्याल है कि कोई 5-6 महीने के, 7-8 महीने के जो बच्चे होते हैं वो इजीली इसके ऊपर जो है बैठ सकते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल थिंग, आई थिंक कि आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैंने भी अभी इसको खोला है, अब मैं इसको यूज़ करूँगी और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं ज़िमल के लिए इसको किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ। सेकंड थिंग इज़ दिस प्ले मैट, मोहम्मद को उसके मामू ने ही गिफ्ट किया था और ये भी मोहम्मद को हमने, ये मोहम्मद ने यूज़ किया है बाय द वे। जब वो छोटा था तो उसको हम ये प्ले मैट देते थे और ये पहले हमने यूज़ किया हुआ है, ये हमने ज़िमल के लिए दोबारा निकाला, तो मैंने सोचा कि मैं इसका भी आपको एक रिव्यू दे दूँ। ये अक्सर आपने देखा होगा ऑनलाइन भी जो है वो ये चीज़ें दिखाई जा रही होती है और ये बाकी बहुत यूज़फुल चीज़ है, बच्चा से बहुत खुश होता है। मैं आपको इसको भी एडजस्ट करके दिखाती हूँ। अच्छा, आप सबसे पहले तो मैं आपको इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं इसके साथ जो एक्सेसरीज हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है प्ले मैट जो इन्होंने साथ इसके दिया हुआ है और इसमें यहाँ इन्होंने क्लिप्स दिए हुए हैं इसको फिक्स करने के लिए, जिसमें हम फिक्स करेंगे। ये हैं कुछ टॉयज़ हैं जो इसके साथ उन्होंने दिए हुए हैं, उन्होंने दिए हुए हैं ये मैं आपको इसको एडजस्ट करके दिखाती हूँ। वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दीज टू होल्डिंग जिसके साथ इस पूरे मैट ने फिक्स होना है। अब हम आपको फिक्स करके दिखाते हैं।
ये जो ये दोनों होल्डिंग्स हैं आपने इनको इस तरीके से क्रॉस कर लेना है। इन इसको लगाने का बहुत ही तरीका मैं आपको बता दूँ। क्रॉस करने के बाद आपने सबसे पहले एक होल्डिंग को जो है वो फिक्स करना है लाइक दिस। सबसे पहले हम इसको फिक्स करना है, ये फिक्स हो गया। ये देखें आप, मैंने ये सारे टॉयज इसके साथ जो है वो एडजस्ट कर दिए हैं एंड आप ये देख सकते हैं चारों तरफ से इसके, ये बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत अच्छा। इसको आप अपने बेड पर रख सकते हैं, इस तरह से आप मैट पर रख सकते हैं, जहां आपको लगे कि आपका बच्चा इजी है, कंफर्टेबल है, वहां आप इसको सिंपली रखें एंड आप अपने बच्चे को इसके अंदर ले डालें। ये चीज़ें ऑब्वियसली छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह के इस तरह के जो टॉयज़ होते हैं बच्चों को वैसे भी बहुत अट्रैक्ट करता है। बच्चों को जब कोई इस तरह की चीज़ आप दिखाएं तो उस पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो जब आप बच्चे को इसमें लिटाएंगे तो वो खुद ही इसके साथ खेलेगा, एक्टिविटी करेगा, और इससे ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है जिससे बच्चे का माइंड भी थोड़ा शार्प होता है, खेलने की कोशिश करता है, उठने की कोशिश करता है। तो जो छोटा बच्चा बैठ नहीं सकता, वो बच्चा जब इसमें लिटा देते हैं हम, तो वो जब खुद बैठने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा हमारी बड़ी जो हमारी दादी नानी वगैरह होती हैं वो अक्सर बताती हैं ना कि बच्चे को उल्टा लिटा दो, ऐसा लिटाओ कि बच्चा ऊपर उठने की कोशिश करे, गर्दन उठाए, उससे बच्चे की जो है वो हड्डियाँ मजबूत होती हैं, वो कोशिश करता है, जब मसल्स उसके जो है वो मजबूत होते हैं। तो ये एक तरह से एक ऐसा प्लेइंग मैट है जिसके अंदर बच्चा इन तमाम एक्टिविटीज़ से गुजरेगा और वो उसके लिए एक हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है और उसके लिए एक बहुत ही एंटरटेनमेंट की चीज़ भी है। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से ये दोनों चीज़ें बहुत रिकमेंडेड है, मैंने इसे यूज़ किया है और उसके बाद ही मैं इसका आपको रिव्यू दे रही हूँ कि ये दोनों चीज़ें बहुत रिकमेंडेड है। स्पेशली ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है छोटे बच्चों के लिए, जो कि बिल्कुल ही छोटे बच्चे होते हैं, लाइक जो बैठ नहीं सकते जिमल की एज के, जैसे कि जिमल है वो अभी सब बैठ नहीं सकती है, तो उसके लिए उस तरह उस एज के बच्चे के लिए, 4-5 महीने की एज के बच्चे के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो इसे ज़रूर आप ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।